इसके बाद प्रश्न है, पगड़ी को किसने रगड़ा? मालकिन ने, धोबी ने, लड़की ने या आदमी ने? पगड़ी को किसने रगड़ा? मालकिन ने, धोबी ने, लड़की ने या आदमी ने? हाँ, वेरी गुड अंशदीप, आदमी ने। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, पगड़ी शब्द का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? ठीक है, पगड़ी शब्द का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? पहला है रगड़ी, दूसरा है कट्टी, तीसरा है थैली और चौथा है उतनी। क्या होगा? रगड़ी। वेरी गुड अंशदीप। नेक्स्ट है, मोटी शब्द का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? मोटी शब्द का मिलता जुलता शब्द, यानी मोटी शब्द जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से बोलते हैं, उसी प्रकार के दूसरे शब्द कौन से हो सकते हैं? ठीक है, इसमें विकल्प है, पहला थैली, दूसरा तगड़ी, तीसरा कट्टी और चौथा छोटी। हाँ, तगड़ी। वेरी गुड अंशदीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद प्रश्न है, गेंद और बल्ले का एक साथ प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ठीक है, गेंद और बल्ले का एक साथ प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पहला विकल्प है क्रिकेट, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है लूडो। वेरी गुड, क्रिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गेंद कहाँ छिप गई? गेंद कहाँ छिप गई? पहला विकल्प है गड्ढे में, दूसरा है झाड़ी में, तीसरा है नाले में और चौथा है घर में। गेंद कहाँ छिप गई? क्या वो गड्ढे में छिप गई, या झाड़ी में, या नाले में, या घर में? क्या होगा? घर में छिप गई। गेंद तो झाड़ी में छिप गई थी ना, झाड़ी में। गेंद झाड़ी में छिप गई, इसलिए झाड़ी में। ठीक है, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, पतंग के साथ कौन सी वस्तु होती है? पतंग के साथ कौन सी वस्तु होती है? क्या पतंग के साथ पासा या बल्ला या डंडा या मांझा होती है? क्या होगा? मांझा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, लूडो के साथ कौन सी वस्तु होती है? लूडो के साथ कौन सी वस्तु होती है, यानी लूडो जब खेलते हैं उसके साथ क्या रहता है? पहला विकल्प है बैडमिंटन, दूसरा पासा, तीसरा बल्ला, चौथा डंडा। पासा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो, इस वाक्य को किसने कहा? ठीक है, इस वाक्य को किसने किससे कहा? ठीक है, गेंद ने बल्ले से कहा, बल्ले ने गेंद से कहा, झाड़ी ने गेंद से कहा, या गेंद ने झाड़ी से कहा? आओ मुझे, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। ठीक है, इस वाक्य को किसने कहा? गेंद ने बल्ले से कहा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न यानी अलग शब्द कौन सा है? पहला है ग्वाला, तीसरा है गाय, दूसरा है गाय, तीसरा है दाल और चौथा है दूध। भिन्न यानी अलग
हाँ दाल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद निम्नलिखित में से फिर से भिन्न शब्द को अलग करना है, कौन सा होगा? पहला है पौधा, दूसरा है फूल, तीसरा है कौवा और चौथा है माली। कौवा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद निम्नलिखित में से बगीचे की देखभाल कौन करता है? क्या ड्राइवर देखभाल करता है, क्या नाई, या माली, या दर्जी? माली, वेरी गुड अंशदीप। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है किताब का अनेक क्या होगा? किताब का अनेक क्या हो सकता है? क्या किताबें, या पतंगे, या पेंसिले, या कॉपिया? किताबें, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, फिर से निम्नलिखित में से अलग यानी भिन्न शब्द कौन सा होगा? पहला है पटरी, दूसरा है टिकट, तीसरा है यात्री और चौथा है बाजार। इनमें से अलग शब्द करना है हमें, पहला पटरी, दूसरा टिकट, तीसरा यात्री और चौथा बाजार। वेरी गुड अंशदीप, बाजार। ठीक है, इन शब्दों में सबसे अलग है बाजार, क्योंकि पटरी, टिकट, यात्री ये सभी एक ही जगह, एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, लेकिन इनसे अलग क्या है? बाजार। ठीक है, चलिए अब उसके बाद प्रश्न है, बंदर भागकर कहाँ गया? बंदर भागकर कहाँ गया? खेत में, बगीचे में, जंगल में या छत पर? खेत में, वेरी गुड ईशान। चलिए उसके बाद है प्रश्न, बंदर ने साग को कैसे पकाया? ठीक है, बंदर ने साग को कैसे पकाया? क्या उसने सोकर पकाया? पहला ऑप्शन, आग जलाकर, तलकर या सेक कर? आग जलाकर, वेरी गुड ऋषान, आग जलाकर उसने साग को पकाया। चलिए नेक्स्ट है, बंदर ने अपना मुंह किससे साफ किया? बंदर ने अपना मुंह किससे साफ किया? पहला है धूप से, दूसरा है कपड़े से, तीसरा है घास से या चौथा है साग से? वेरी गुड अंशदीप, दूब से, दूब से बंदर ने अपना मुंह साफ किया। ठीक है, अब उसके बाद है, बंदर ने क्या बिछाकर सोया? पहला साग बिछाकर सोया, दूसरा घास, तीसरा चलनी और चौथा दूब। चलनी, वेरी गुड अंशदीप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, सारे बच्चे उत्तर देंगे, ठीक है? चलिए, बंदर ने खेत में से क्या तोड़ा? बंदर ने खेत में से क्या तोड़ा? क्या उसने घास तोड़ा, या साग तोड़ा, या दूब तोड़ा, या गेहूं? साग तोड़ा। हाँ, वेरी गुड अंशदीप निशान। चलिए अब उसके बाद प्रश्न है, तोड़ा साग डैश डैश, यानी खाली जगह को भरना है,
सही शब्द क्या होगा? पहला है चटर मटर, दूसरा है खदर बदर, तीसरा है सापड़ सुपड़ और चौथा है चुटर मुटर। तोड़ा साग डैश, ठीक है, यानी इस पंक्ति को पूरी करनी है, ठीक है, इस पंक्ति को शब्द की सहायता से पूरी करनी है। चटर मटर, खदर बदर, सापड़ सुपड़ या चुटर मुटर, क्या होगा? चुटर मुटर, वेरी गुड अंशदीप, ठीक है, यही होगा चुटर मुटर। कैसे होगा? तोड़ा साग चुटर मुटर, हम लोगों ने पढ़ा था चुटर मुटर तोड़ा साग, ठीक है। अब उसके बाद साग पकाया डैश, ठीक है, फिर से यहाँ पर सही शब्द चुनना है। चटर मटर, पहला खदर बदर, दूसरा तीसरा सापड़ सुपर और चौथा चुटर मुटर। साग पकाया, साग को कैसे पकाया बंदर ने? साग पकाया खदर बदर, हाँ वेरी गुड, खदर बदर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कुल कितने अंडे थे? कुल कितने अंडे थे? कुल यानी सब मिलाकर कितने अंडे थे? क्या एक अंडे थे या दो अंडे थे या तीन अंडे थे या चार? दो, हाँ दो अंडे थे। पहले अंडे में से कौन निकला? पहले अंडे में से कौन निकला? क्या बत्तख का बच्चा निकला, मुर्गी का चूजा, कौवे का बच्चा या कोयल का बच्चा? कौन निकला पहले अंडे में से? बत्तख का बच्चा पहला ऑप्शन, दूसरा है मुर्गी का चूजा, तीसरा है चिड़िया का बच्चा और चौथा है कोयल का बच्चा। मुर्गी का चूजा, वेरी, नहीं नहीं मुर्गी का चूजा तो नहीं होगा, बत्तख का बच्चा। कौन निकला? बत्तख का बच्चा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद बत्तख के बच्चे ने किसे पानी में से बाहर निकाला? बत्तख के बच्चे ने किसे पानी में से बाहर निकाला, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चूजे को, दूसरा ऑप्शन है खरगोश को, तीसरा है चिड़िया को या चौथा है कोयल को? चूजे को। चलिए नेक्स्ट है, मैं भी पाठ में नकलची कौन था? मैं भी पाठ में नकलची कौन था, यानी नकल करने वाला कौन था? क्या चूजा था या बत्तख था या चिड़िया था या खरगोश? कौन था? चूजा था, हाँ चूजा था, क्योंकि वो बात बात में दूसरों की नकल करता था, यानी वो बत्तख की नकल करता था, इसलिए उसे नकलची कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, निम्न कथन किसने कहा? मैं घूमने जा रहा हूँ, इस कथन को किसने कहा? क्या खरगोश के बच्चे ने कहा या बत्तख के बच्चे ने कहा या मुर्गी के चूजे ने कहा या चिड़िया के बच्चे ने कहा? बत्तख के बच्चे ने कहा, वेरी गुड अभिरूप। चलिए उसके बाद है, मुर्गी के बच्चे को डैश कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन हो भी सकता है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। विकल्प है शावक पहला, दूसरा चूजा, तीसरा बछड़ा और चौथा मेमना। क्या होगा? चूजा, वेरी गुड अंशदीप।
अविरूप क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद जो गाना गाता है, जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या दयालु कहते हैं या नकलची कहते हैं या गायक कहते हैं या तैराक कहते हैं? गायक, वेरी गुड अभिरूप, अंशदीप। चलिए नेक्स्ट है, मुर्गी के कितने चूजे थे? मुर्गी के कितने चूजे थे? विकल्प है पहला दो, दूसरा तीन, तीसरा चार, चौथा पांच। कितने थे मुर्गी के? दो चूजे थे। हाँ, दो चूजे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लालू किस रंग की चीजें खाता था? क्या वो लाल चीजें खाता था, पीली चीजें खाता था, सफेद चीजें खाता था या बैगनी चीजें खाता था? तो क्या होगा, लाल चीजें खाता था। हाँ, लाल चीजें, वो लाल लाल चीजें जो लाल रंग की होती थी उसे ही वो खाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद पीलू क्या खाता था? पीलू पीली चीजें खाता था, लाल चीजें खाता था, हरी चीजें खाता था या सफेद चीजें खाता था? पीली चीजें खाता था। हाँ, वेरी गुड। लालू क्या, लालू ने क्या खा लिया, लालू ने क्या खा लिया? पहला विकल्प है गुड़ खा लिया, शहद खा लिया, लाल मिर्च खा लिया या हरी मिर्च? लाल मिर्च, वेरी गुड। चलिए अब अंतिम प्रश्न पूछ रही हूँ, एक का नाम डैश और दूसरे का नाम डैश था, एक का नाम डैश और दूसरे का नाम डैश था। ठीक है, पहला है लालू पीलू, दूसरा है कालू नीलू, तीसरा है नीलू पीलू और चौथा है पीलू पीकू। लालू और पीलू, यस, वेरी गुड। लालू और पीलू दोनों चूजों का नाम था, लालू और पीलू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प रहेंगे, उनमें से आपको एक विकल्प चुनना है। ठीक है, तो आप लोगों की परीक्षा में PT2 के सिलेबस से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा टर्म 2 भी रहेंगे, मैंने ही पोर्टल में सिलेबस दे दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद, और सभी अपना अटेंडेंस दीजिए।